दोस्तों आपने बहुत सारी बिल्डिंग देखी होंगी, जैसे कि ये ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग देखी होंगी। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये बिल्डिंग के बारे में क्यों कह रहे हैं, आपने इस बिल्डिंग को देखा, ठीक है। अब इस बिल्डिंग की सबसे बेसिक यूनिट क्या, बेसिक मतलब कि सबसे छोटी यूनिट क्या, आप सभी लोगों का ज़्यादातर जवाब होगा कि इसका सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है ईंट यानी ब्रिक, ठीक है। यही आप लोग कहेंगे, क्यों, क्योंकि इन्हीं से मिलकर इतना बड़ा मकान बना। सबसे पहले ये छोटे छोटे मिले, ठीक है, इनसे एक दीवार बना, इनसे दीवार से एक इतना बड़ा मकान बना, बिल्डिंग बनी, क्या क्या बन गया, इससे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, एक ईंट के कारण। सबसे बेसिक यूनिट है एक ईंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब कह रहे हैं इससे ये क्यों बता रहे हैं, क्या इससे क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्या बताने वाले। तो उसी तरह मैं आपसे पूछूँ कि आपका जो शरीर है किससे बना है, आपका शरीर भी वही बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बना होगा ना। अब एक ईंटे को ही दे दीजिए, अब एक ईंटा ईंटा ही नहीं, इसमें भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उन छोटे पार्टिकल, उन छोटे कणों से मिलकर एक ईंट बनी होगी, ये ब्रिक बना होगा, ठीक है। ये ईंट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे कणों से मिलकर एक ईंट बनी होगी। आपने बहुत सारे बच्चों को मिट्टी खेलते हुए देखा है, जरूर देखा होगा, जो मिट्टी वो खेल रहे हैं हाथ में लेकर, ठीक है। तो वो जो मिट्टी है ना, मिट्टी भी, जो बालू मिट्टी, उसका भी एक छोटा छोटा कण है, ठीक है, तभी इतनी मिट्टी हाथ में, उनमें से भी एक छोटा सा, एक छोटी यूनिट होगी। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा शरीर है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है। अभी आप ये मत बताइए कि नाक है या कान है, बाल है, ये है, हाथ है, पेट है, ये कुछ नहीं, ये तो अंग है, सबको पता है ना, अंग है। एक किससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताएंगे, बताना चाहते हैं तो अभी अभी तुरंत कमेंट कीजिए, तो आंसर अभी कमेंट कीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको पता है, ठीक है, कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है क्या, सेल, ठीक है, इसका मतलब होता है कोशिका। अब आप कोशिका को देख पा रहे होंगे, यही एक कोशिका है, लेकिन ये कोशिका को क्या आप ऐसे ही देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी है, आप दिखाइए कोशिका कहाँ, दिखाइए, नहीं दिखा सकते आप इन कोशिकाओं को, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं इतनी छोटी से छोटी चीज़ों से बनती है, इतने छोटे छोटे कण होते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई ईंटे से बने, लेकिन ईंटा भी, ये जो एक ईंट है, ईंट में भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही छोटे छोटे कण होंगे, तो इन जो कण हैं इनको इतने छोटे होते हैं कि आप इनको जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक माइक्रोस्कोप की, ठीक है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं हिंदी में, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप इससे देखेंगे तभी देख पाएंगे कि ये सेल क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है जो ईंट बन गई है, ठीक है। तो ये सेल, ये वाला सेल नहीं है जो आप दुकानों में देखते हैं, जिससे बैटरी जिसे कहते हैं, ये सेल नहीं है, ठीक है। ये सेल हमारे शरीर का है, जिससे हमारी बॉडी तैयार हुई है। अब ये सेल से मिलकर क्या बनता है, ठीक है, सेल से मिलकर हमारी बॉडी नहीं बन जाती, इतनी जल्दी तैयार नहीं हो जाती, ये इतने छोटे होते हैं कि इनसे हमारी बॉडी नहीं बन पाती है। एक सेल, बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, इसको टिश्यू नाम दिया गया है। आपने मांस का टुकड़ा देखा होगा, तो एक मांस का टुकड़ा टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है इसको, ठीक है। अब हाथ में नहीं है लेकिन आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊतक हो गया, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे इसमें सेल मिलकर एक ऊतक बनाते हैं। ऊतक से मिलकर क्या होता है, जो आपने मांस देखा होगा उसको ही ऊतक मान लीजिए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, ये सब आपस में जब मिल गए तो उनको ऊतक कहते हैं, ठीक है, जिसे टिश्यू इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद यही टिश्यू मिलकर जब बहुत हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मतलब जो अंग हो जाते हैं, जैसे स्टमक हो गया, पेट आपका, मांसे हो गया, अग्नाशय हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सब सेल से बनती हैं, टिश्यू से, ठीक है। बहुत सारे जब टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन तैयार हो जाता है, बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू तैयार होता है। हमारी बॉडी में कम से कम 1000 खरब सेल्स पाए जाते होंगे, और बहुत ही सेल्स दिन भर में खत्म होते हैं और नए तैयार होते हैं। क्या आपको पता है कि इस सेल में कितनी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें अंदर है, अमाशय है, दिल है, फेफड़ा है, लंग्स है, किडनी है, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबका अलग अलग काम है। जैसे दिल है तो वो पंप करता है खून को, ठीक है, फेफड़ा हम सांस लेते हैं तो वो फूलता है, फैटता है, इसका काम करता है। उसी तरह किडनी है, हमारे शरीर में जितनी भी खराब चीज़ें आती हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये भी, तो इनका सबका अलग अलग काम होता है। तो उसी
तरह सेल भी होता है, सेल एक जीवित चीज है, ठीक है, जीवित चीज है तभी तो हमको भी जीवित बनाया है, ठीक है। तो सेल भी हमारी सबसे छोटी यूनिट है, सेल वो भी एक जीवित चीज है, उसको भी खाना खाना पड़ता है, ठीक है, उसको भी खाना खाना पड़ता है। तो वह जब खाना खाता तो उसको भी खाना खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम खाना खाते तो अंदर जो अमाशय है उसमें जाता, तो उसके भी एक अमाशय होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको वो चीज़ें भी जानना है, उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर उनको डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उनको मैं एक एक करके डिटेल से आपको बता दूंगा। आप बॉडी के जो सेल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल का चैप्टर है। अगर आप सेल को समझ जाते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे जितने बड़ी बायोलॉजी चले जाइए, बायोलॉजी में सबसे टफ चैप्टर सेल है। अगर सेल को आप पार कर लिए तो बायोलॉजी आपके लिए मुट्ठी में, ठीक है। तो इतने चीज़ें को आपने समझा, चलिए एक एक करके सबके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जिसमें खाना बनता है, ठीक है, सब चीज़ होता है, जो इसका मास्टर होता है, ठीक है, ये जो इतनी बड़ी सेल होती है जिसको आप डिटेल से अगर देखें तो ये रही इमेज, आप देख सकते हैं सेल को, जिसको मैंने माइक्रोस्कोप से डिटेल में आपको समझा दिया है इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप अच्छे से इनको देख पा रहे होंगे। आप इतने बड़े इतने छोटे सेल को इतना बड़ा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है, और इनके अंदर की चीज़ें भी डिटेल से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, तो सबसे जरूरी इसमें चीज़ होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सबका मास्टर होता है। अगर सेल को जो भी कुछ करना है, सबको डांट लगाने की, आप ऐसा ना कीजिए, मजाक कर रहा हूँ, वो डांट नहीं लगाता, मतलब वही मास्टर होता है। कोई प्रोटीन है, कोई विटामिन है, अगर कहीं पर भेजना है, कहीं ले जाना है, सेल में इधर पहुँचाना है, इधर खाना है, सेल को खाना खाना है, सेल को एनर्जी चाहिए, तो सब चीज़ न्यूक्लियस ही देता है, वही उसका मास्टर होता है। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए, सेल वाल हो गई, और सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, गाल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम्स हो गए, और राइबोसोम्स बताइए, डीएनए होते हैं, जीन्स होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस तो आपको बता ही दिया, और क्या बता दूँ, याद आ जा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये नाम मुझे जल्दी याद नहीं आ रहे थे, ठीक है, ये लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है, आप इनको याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल को ख़त्म कर लिया तो आपके हाथ में बायोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। सेल बहुत ही जरूरी चैप्टर है, अगर आप सेल के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कमेंट करना है, और सेल की फुल फेस वीडियो आती रहेगी, पार्ट्स लेकिन चलेगी, ठीक है, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आपको बहुत पता चल गया होगा सेल के बारे में। आप सेल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर से बता रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपके लिए वीडियो आती रहेगी, अच्छे से आपको डिटेल में बताया जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें, ग्रीन पावर स्टडी को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।